नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य आवाज। मैं हूं आपके साथ आरवी सिंह। भारत में ये कार बनाएगी फॉक्सकॉन। सालाना 2.5 लाख ईवी का करेगी प्रोडक्शन। इटली का एटना ज्वालामुखी फिर सक्रिय। 1128 डिग्री के खोलते लावा की नदियां बह रही। तापमान इतना कि इससे लोहा भी पिघल जाए। आईसीसी ने 3 विश्व कप के 541 मैचों के लाइव स्ट्रीम के लिए आईएनजीसी किया करार। ग्रांट होलोवे ने 60 मीटर बाधा दौड़ में कॉलिन जैक्सन के 27 साल पुराने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। फेसबुक ने म्यांमार सेना से जुड़े सभी खातों और विज्ञापनों पर लगाया बैन। अमेरिका में साइबर हैकिंग में मिला रूस का हाथ। बाइडेन ने की प्रतिबंध की तैयारी। नेपाल में ओली का इस्तीफा देने का इरादा नहीं, संसद का सामना करने को तैयार। मॉरिशस में एस जयशंकर ने भारतीयों प्रवासियों से कहा, ऐसा लग रहा जैसे कि घर में आ गया हूँ। यूपी के मेडिकल कॉलेज पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 5 करोड़ का जुर्माना। दिल्ली विधानसभा कानून व्यवस्था के केस में पूछताछ का हक नहीं रखती फेसबुक एमडी ने दी दलील। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद एक्शन में सरकार। सोशल मीडिया ओटीपी के लिए नए अब कानून। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महिलाओं को सेना में अस्थायी कमीशन के फैसले में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों को हटाने के आदेश से फिलहाल किया इनकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान प्रस्ताव पर विचार करे तो सरकार बातचीत को तैयार। प्रियंका गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बीजेपी को घेरा, बोली खरबपति मित्रों के लिए बैटिंग कर रही सरकार। पुडुचेरी में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस हाईकमान के चप्पल उठाने में सपोर्ट थे नारायण स्वामी, क्या चुनेंगे ऐसी सरकार। दिल्ली में 3 से 8 तक के बच्चों की नहीं होगी परीक्षा, असाइनमेंट के आधार पर होंगे प्रमोट। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में स्कूटर से सचिवालय पहुंची ममता। यूपी विधानसभा में लव जिहाद विधेयक हुआ पास। केरल में राहुल गांधी ने मछुआरों संग लगाई समंदर में छलांग, पकड़ी मछलियां। सीएम योगी ने कहा, 15 मार्च तक बाजार में आ सकता है कोरोना वायरस का नया टीका। वाराणसी में अखिलेश यादव ने पूछा, जिन्होंने माँ गंगा की कसम खाकर कहा था साफ होंगी वो माँ, आज भी गंदा क्यों। थानेदार की विधेयक से बस सुलूकी पर सदन में उठा मामला। तेजस्वी बोले, राबड़ी आवास पर भी की थी बदतमीजी। अस्थायी शिक्षकों को बड़ा तोहफा, सीएम हेमंत सोरेन ने बनाया वेलफेयर फंड। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम चाहते हैं जीडीपी में असम और पूर्वोत्तर सबसे ज्यादा योगदान दे। महाकुंभ 2021 में निरंजनी अखाड़ा के रमता पंचों ने जमात के साथ किया कुंभ नगरी में प्रवेश। उत्तराखंड के किसानों को नहीं मिले सब्जियां के वाजिब दाम। कहीं मंडी में फेंकी सब्जी तो किसी ने खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर। जदयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का ऐलान, सीएम नीतीश कुमार, विश्वकर्मा समुदाय के साथ, उनके लिए रोजगार की नहीं होगी कमी। तेजस्वी ने सीएम नीतीश से पूछा सवाल, शराब माफिया में इतना दुस्साहस कहां से आया कि पुलिस का ही कर रहे इनकाउंटर। नवादा जिले में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई 10वीं की वार्षिक परीक्षा। लोगों ने डीएम को दिया धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मध्य आवाज के साथ। धन्यवाद।